हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप डॉग देख पा रहे होंगे कि आज हम टॉगल बटन के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड टॉगल बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले चेक और अनचेक ऑन और ऑफ स्टेट ऑन द बटन। इट मीन्स कि एंड्रॉयड टॉगल बटन हमारा यूज होता है चेक और अनचेक करने के लिए, कहीं भी ऑन और ऑफ करने के लिए किसी भी स्टेट को। इट इज़ बेनिफिशियल इफ़ यूज़र हैव नो चेंजेस द सेटिंग बिटवीन टू स्टेट। इट कैन बी यूज टू ऑन और ऑफ साउंड, वाईफाई, ब्लूटूथ etc। मतलब कि ये हमारा यूज़ होता है कि साउंड को ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, वाईफाई को ऑन ऑफ़ करने के लिए, ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे आपका फ़ोन है एरोप्लेन मोड में करना है या फिर नेटवर्क मोड में करना है, तो उसके लिए हम टॉगल बटन का यूज़ करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट द एंड्रॉयड टॉगल बटन विल बी इन ऑफ स्टेट। मतलब कि हमारा जो टॉगल बटन होता है वो हमें एंड्रॉयड में बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ स्टेट में मिलता है। वी कैन चेंज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ टॉगल बटन बाय यूज एंड्रॉयड चेक एट्रीब्यूट। मतलब कि इसे अगर हमें अपने स्टेट के मुताबिक चेंज करना होगा तो हमें एंड्रॉयड के चेक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। इन अ केस इफ़ वी वॉन्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ टॉगल बटन टू ऑन चेक्ड, मतलब कि अगर हमें स्टेट को चेक्ड करना है टॉगल बटन के, देन वी नीड टू सेट एंड्रॉयड चेक्ड ट्रू। मतलब कि हमें जो एंड्रॉयड में चेक्ड होगा एट्रीब्यूट, जो हमारा चेक्ड होगा, उसे ट्रू करना होगा इन अवर XML लेआउट में। आइए इसके कुछ एट्रीब्यूट जानते हैं टॉगल बटन के। आईडी इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंट्रोल। मतलब कि आईडी हमारी किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड चेक्ड इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द करेंट स्टेट ऑफ टॉगल बटन। ये हमें टॉगल बटन के करेंट स्टेट के बारे में बताता है। ग्रेविटी इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द टेक्स्ट लाइक राइट, लेफ्ट, सेंटर, टॉप, etc। मतलब इसमें ग्रेविटी हमारा ये शो करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं अपने पेज के, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे रखना चाहते हैं, ये हमें ग्रेविटी से पता चलता है। हमारा टेक्स्ट इट इज़ यूज टू सेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा होता है कि हमें किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए कि हमारा जो टॉगल बटन है ऑन स्टेट में है, तो वो टेक्स्ट हमें शो करे कि ऑन स्टेट में है। ऑफ स्टेट में है तो टेक्स्ट हमें शो करे कि ऑफ स्टेट में है। टेक्स्ट ऑन इट इज़ यूज टू सेट द टेक्स्ट व्हेन द टॉगल बटन इज ऑन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारा अगर टेक्स्ट ऑन है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो शो करता है कि हमारा टॉगल बटन ऑन स्टेट में है, अगर ऑफ है तो ऑफ स्टेट में है। कलर इट इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारे मतलब कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। टेक्स्ट की साइज इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारे टेक्स्ट की साइज़ को स्पेसिफाई करता है। स्टाइल ये हमारे स्टाइल को स्पेसिफाई करता है। बैकग्राउंड इट इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ टॉगल बटन कंट्रोल। मतलब कि ये जो बैकग्राउंड है हमारे टॉगल बटन के बैकग्राउंड का स्टेट क्या है वो हमें ये डिफाइन करता है। हम आपको आगे एग्जाम्पल में ये चीज़ें क्लियर करेंगे। पैडिंग इट इज़ यूज टू पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ये हमारे जो पेज है उसकी पैडिंग को डिसाइड करता है कि हमारा पेज हो उसकी पैडिंग लेफ्ट में हो, राइट में हो, टॉप में हो, बॉटम में हो, etc। ड्राएबल बॉटम इट्स ड्राएबल टू द ड्रॉन टू बिलो द टेक्स्ट। इट इज़ ड्राएबल ड्रॉन टू द लाइव टेक्स्ट। ये सब ड्राएबल लेफ्ट राइट के एट्रीब्यूट्स हैं। सब आपने एट्रीब्यूट देख लिया, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो आइए चलिए हम एक एग्जाम्पल टॉगल बटन का करके आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो पर दिखाते हैं कि आखिर टॉगल बटन कैसे यूज़ होता है। तो हम यहाँ से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है इम्पटी एक्टिविटी चूज करेंगे, इसका नाम हम टॉगल ही बटन ही रख देते हैं। फिनिश कर लेते हैं, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्सिंग हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। तो आइए हम रिसोर्स फाइल में लेआउट्स में चलते हैं, लेआउट के XML में चलते हैं। यहाँ पे जो हेलो वर्ड है इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप बटन्स में देख रहे होंगे ये टॉगल बटन है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके
एज को मैच करा के ले आते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑलरेडी ऑफ स्टेट में ही होता है। ठीक है, इसे हमें ऑन स्टेट में करने के लिए यहाँ से हमें चेक्ड को ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा टॉगल बटन ऑफ स्टेट में है। इसकी आईडी हम देख लेते हैं, क्या इसकी आईडी टॉगल बटन ही है। ठीक है, यहाँ से हम एक टेक्स्ट व्यू लिख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा टॉगल बटन जिस स्टेट में है वो दिखाने के लिए। टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। इसकी ग्रेविटी को हम सेंटर कर लेते हैं, जैसा कि आपने आपको ग्रेविटी उसमें बताया था कि ग्रेविटी किस लिए यूज़ की जाती है। ग्रेविटी को हम अलाइन को, मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है उसे कहाँ पे सेट करना है, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। और इसका जो टेक्स्ट है इसे हम फिलहाल हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। फिर स्प्लिट, यहाँ से डिज़ाइन के बगल में जो आपको स्प्लिट दिख रहा है, यहाँ से स्प्लिट कर, कॉन्स्टेंट लेआउट है, इस लेआउट के नीचे हम इसकी आईडी, इस लेआउट के नीचे हम इसकी आईडी फाइंड करते हैं। मेन व्यू, ओके। और इसका हम बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, सेंड कर लेते हैं। यहाँ से कलर हम चेंज करके कुछ भी कस्टम कलर ले लेते हैं। ओके, ये कलर लेते हैं। अब हम इस टॉगल बटन की मदद से ये जो पेज का हमारा बैकग्राउंड है इसका कलर हम ऑफ करेंगे तो दूसरा कलर हो जाएगा, ऑन करेंगे तो दूसरा कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब हम मेन एक्टिविटी पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी एट्रीब्यूट्स हमने एक्सएमएल में क्रिएट किया है उसकी आईडी हमें फाइंड करना बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए हम सबसे पहले सबकी आईडी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम जो लेआउट्स है, जो हमारा मेन लेआउट है कॉन्स्टेंट में है, उसकी आईडी फाइंड करते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट, इसकी हमने आईडी रखी है मेन व्यू, उसी के नाम से कर लेते हैं। तो आपको पता है आईडी कैसे फाइंड होती है, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट मेन व्यू। अब इसकी आईडी फाइंड हो गई। अब हमें एक टेक्स्ट व्यू की आईडी फाइंड करनी होगी, जो टेक्स्ट व्यू हमने बनाया है। टेक्स्ट व्यू, ओके। अब हम जो टॉगल बटन लिए हैं उसकी आईडी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम किसी बटन का लिसनर बनाते थे तो उसके आगे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज करते थे, लेकिन अब टॉगल बटन में हमें टॉगल बटन का लिसनर बनाना होगा तो उसके लिए हमें टॉगल बटन डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर, कि हमें वो जिसका जो चेक्ड है, जो हमारा वो पोजीशन उसे चेंज करना है, तो उसके लिए हम चेक्ड ऑन सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम वो बनाते हैं। चेक्ड चेंज लिसनर यहाँ पे आप देख रहे होंगे होगा, ठीक है। फिर न्यू कर लेंगे जैसे हम पहले करते थे, कंपाउंड बटन डॉट चेक्ड चेंज लिसनर। ठीक है, ये हमारा लिसनर बन गया। अब हमें स्टेट बनाना होगा कि अगर जो टॉगल बटन है इज चेक्ड, अगर चेक्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, और इल्स चेक्ड है तो क्या करेंगे, अथवा अगर नहीं चेक्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, दो हमने फील्ड बना लिया। तो अभी हम टेक्स्ट में बनाते हैं, अगर हम को मेन व्यू से हमें चेंज करना है, जो हमारा बटन है उसके मेन व्यू से हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम मेन व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, मतलब हमें बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है। सेट बैकग्राउंड कलर, ये देखिए यहाँ पे आ रहा होगा सेट बैकग्राउंड कलर। अब हमें जो कलर है उसे हमें पार्स करना होगा, मतलब कि जो हमको कलर चाहिए वो लगाना होगा। तो कलर डॉट
पार्स कलर, हमें जो कलर चाहिए हम वो लिखेंगे हैज़ FA, कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर कोड हम लिख लिए हैं, ठीक है। इल्स, अब हम इल्स वाली एक्टिविटी में आते हैं कि अगर हमारा कलर ये होगा, अगर ऑन स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, तो अगर चेक्ड है हमारा तब, अथवा अगर चेक्ड नहीं है तब हमारा कलर क्या होगा, तो उसके लिए भी हमें डिफाइन करना होगा मेन व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट पार्स कलर, हमें जो कलर चाहिए वो, मान लीजिए हमें कलर चाहिए FE91 कुछ भी कर लेते हैं, 918EF हमें ये कलर चाहिए, ठीक है। तो हमारा अब ये हो गया। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। प्रोग्राम अब रन हो रहा है हमारा, ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसा देख रहे हैं आप कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो जैसा कि ये ऑफ स्टेट में है, अगर हम इस पर अभी ऑन कर देंगे, क्लिक करेंगे, तो इसके बैकग्राउंड का कलर आप देखेंगे चेंज हो जाएगा, कुछ येलो कलर में हो जाएगा। तो जैसे जैसे चलिए हम चेंज करते हैं। देखिए हमने ऑन कर दिया, येलो कलर में हो गया, फिर ऑफ़ कर दिया तो रेड कलर में हो गया, फिर ऑन कर दिया तो येलो कलर में है, फिर ऑफ़ कर दिया तो रेड कलर में है, ठीक है। तो टॉगल बटन का हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमें किसी भी एक्टिविटी को चेंज करना हो, जैसे कि हमारा वाईफाई मोड ऑन में होता है तो उसे ऑफ़ करना होता है, तो हम टॉगल बटन का यूज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।